ग्लोबल फूड एनर्जी क्राइसिस के लिए पश्चिम जिम्मेदार है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पश्चिमी देशों पर हमला। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि फूड क्राइसिस के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं। वेस्ट की आर्थिक वित्तीय नीतियों की वजह से ये हालात हुए हैं। कोरोना से लड़ने के नाम पर यूएस ने बड़ी रकम अर्थव्यवस्था में डाली है। खाद्य बाजार पर असर पड़ा और खाने पीने की चीजें महंगी हुई है और ये हुआ है पश्चिमी देशों की नीतियों की वजह से, ये व्लादिमीर पुतिन का आरोप। तो पश्चिम पर प्रहार और पुतिन का वार किस तरह से देखने को मिल रहा है ये देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और ऊर्जा संकट के लिए पश्चिम देश जिम्मेदार है ये कहा जा रहा है और इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल बताया गया है। खाद्य और ऊर्जा संकट से रूस का कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम की आर्थिक और वित्तीय नीतियां मौजूदा संकट की सबसे बड़ी वजह बताई गई हैं और यूरोपीय देशों की अस्पष्ट नीति के चलते ऊर्जा बाजार में संकट पैदा हुआ है। विश्व में खाद्य कीमतों में इजाफा हुआ, बाजार में प्रतिकूल स्थिति पैदा हुई है जिसके बाद अभी की सिचुएशंस को जस्टिफाई करते पुतिन नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, पुतिन क्या या फिर रशिया किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, चाहे अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य संकट पैदा हो रहा हो, चाहे पेट्रोल के दाम या गैस के दाम बढ़ रहे हो, वेस्टर्न कंट्रीज पर मार पड़ रही हो, बिल्कुल जिम्मेवार है। जिस तरीके से आपातकालीन विश्व व्यवस्था में परिस्थिति पैदा की गई है खाद्य पदार्थों की, खनिज संपदा की, और हम जानते हैं कि पैंडेमिक के दौरान पूरा विश्व उसे त्रस्त था और उसके इमीडिएट बाद संकट के बाद हम ये कहें कि नीम चढ़े करेला मतलब संकट था, महासंकट को लाकर दुनिया के अस्तित्व के सामने खतरा पैदा करना निश्चित रूप से उसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन उससे कम जिम्मेवार अमेरिका और नाटो नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ पैदा की गई, ये नाटो का थर्ड एक्सपेंशन था। फर्स्ट एक्सपेंशन में पुतिन ने कहा था, बातचीत गोरबाचोव से हुई थी, गोरबाचोव के बाद यत्सिन ने से आश्वासन दिया गया था कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। 1997 में हुआ, उसके बाद फिर 2004 में हुआ और तीसरी बार जब करने की कोशिश की यूक्रेन और बाल्टिक रिपब्लिक्स में, तो रूस ने कहा और पुतिन उस समय तक बहुत मजबूत हो चुके थे कि ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम रिट्रीट करेंगे। दुनिया पर और उसके बाद तो अमेरिका ज्यादा जिम्मेवार है, इस बराबर के जिम्मेदार है, बराबर के जिम्मेदार है। रशिया और अमेरिका भी इसमें बराबर का जिम्मेदार होता हुआ नजर आ रहा है और रूस के खिलाफ प्रतिबंध कामयाब नहीं है। एक बड़ी खबर, पश्चिमी प्रतिबंध यूक्रेन विवाद का समाधान करने में फेल साबित हुआ है। स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री गाय पोवलिन का यह बड़ा बयान सामने आया है। प्रतिबंधों से युद्ध रोकने का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। स्विस मंत्री ने ब्लिक न्यूज़पेपर को यह इंटरव्यू दिया है और जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्या इस तरह के प्रतिबंध इतने बड़े युद्ध को रोकने में सक्षम होंगे, उसी बात को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इतने प्रतिबंध लगाने के बावजूद आज तक रशिया के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे क्या होगा सर, क्या कोई इंपैक्ट आपको होता हुआ नजर आएगा या प्रतिबंध वो सॉल्यूशन नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है। ये प्रतिबंध जो है, आर्थिक प्रतिबंध इतने बड़े देश के अगेंस्ट लगाने में, स्पेशली उस देश के अगेंस्ट जो पूरे यूरोप को एनर्जी सप्लायर है, पूरे ईस्ट कंट्रीज को और सदर्न कंट्रीज को फूड ग्रेन सप्लायर है। आप ये देखिए, ब्रिटेन जो है और जर्मनी और ये बाकी कंट्रीज हैं, सब रशिया के और यूक्रेन के फूड एंड एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो जब आप प्रतिबंध लगाएंगे तो उसका इफेक्ट आपके अपने देश पर भी आएगा, तो ये प्रतिबंध जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह पहले ईरान पर लगाया गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ इस बात को जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये प्रतिबंध लगा के युद्ध का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है, बातचीत से इसका हल निकल सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।